दोस्तों नमस्कार। अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। खास इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ोन पे में एक ज़बरदस्त अपडेट दिया गया है, ज़बरदस्त फीचर दिया गया है। आप व्हाट्सअप के तरह फ़ोन पे को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आना है हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे आएंगे तो जिसको भी आपने पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे उसका यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख जाएगा। जैसे कि इस भाई साहब को मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तब आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे शो करता होगा कि आप जो है 80 रुपये पेमेंट कर दिए, 45 रुपये पेमेंट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ा गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का। तो जब यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है किसी का भी फ़ोटो भेज सकते हैं। जैसे कि किसी को भी आप यहां पे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के दौरान जो स्क्रीनशॉट आप लेते हैं वो यहां पे इस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने आधार कार्ड का वीडियो बनाया था तो ये मैंने इसको शेयर कर दिया, तो इनको ये मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्लस वाला। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिया जाता है शेयर करने के लिए। तो पहला है कॉन्टैक्ट, दूसरा है UPI ID और तीसरा है अदर बैंक। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आप सर्च करना चाहते हैं सर्च भी आप यहां पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे सर्च करके भी यहां पे आप इसको नंबर को जो है उसको सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली उनको। फ़ोन पे में ये सब पहुंच जाएगा, जैसे व्हाट्सअप पे आप चैट करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, डायरेक्ट उनको पहुंच जाएगा जिनको भी आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद UPI ID है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप जिसको भी UPI ID भेजना चाहते हैं, उनको पेमेंट करना है आपको, तो वो UPI ID आप भेज सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको UPI ID इंटर करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड UPI पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे UPI ID को इंटर करें। आप अपना UPI ID इंटर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको निक नाम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना चैनल का ही नाम दे देते हैं। और चैनल का नाम देने के बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और ये आपका सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद आप इस UPI ID से किसी को भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप बैंक अकाउंट उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट का ले लेते हैं, पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, FSC कोड इंटर करेंगे तो ये जो है आपका जो है अकाउंट डिटेल सेव हो जाएगा और किसी को भी आप कभी भी भेज सकते हैं, जिसको जब आपके पैसों की ज़रूरत हो उस अकाउंट में मंगाने का तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं व्हाट्सअप के तरह। तो इसमें ये सारा फीचर दिया गया है। फ़ोन पे अगर आपका अपडेट नहीं है तो अपडेट एक बार कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे फ़ोन पे का नया ये अपडेट दिया गया था तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।